हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ऑप्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि ऑप्शन जो है किस तरीके से वर्क करती है। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ऑप्शन को एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए एक मिस्टर ए हैं और वो एक हाउस खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा मिस्टर बी एक बिल्डर हैं, तो मिस्टर ए को ये बोलते हैं कि ठीक है, आई एम रेडी टू गिव यू ए हाउस, लेकिन जो हाउस है उसका कंस्ट्रक्शन 2 ईयर्स में कंप्लीट होगा और जो आपको हाउस का पोजीशन है वो 2 ईयर्स के बाद मिलेगा। मिस्टर ये कहते हैं कि डन, ओके, आई एम रेडी टू बाय द हाउस, लेकिन जो हाउस की कॉस्ट है वो क्या होगी? तो मिस्टर बी उनको एक्सप्लेन करते हैं जो हाउस है वो 50 लाख रुपये का होगा, लेकिन वो चाहे तो हाउस के अंदर एक स्मॉल टोकन अमाउंट मनी जैसे बुकिंग अमाउंट है वो 1 लाख रुपये डिपॉजिट करवा के वो उस हाउस को जो है वो बुक कर सकते हैं। तो मिस्टर ए उस बुकिंग अमाउंट के लिए एग्री हो जाते हैं। साथ ही जो बिल्डर है वो मिस्टर ए को ऑप्शन देते हैं, दो ऑप्शन देते हैं कि आफ्टर 2 ईयर अगर यदि मिस्टर बी चाहे तो वो उस हाउस को परचेज कर सकता है, लेकिन उसको एक साथ ही एक ऑप्शन और भी देते हैं कि अगर यदि वो उस हाउस को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उस हाउस को नहीं खरीदे, लेकिन साथ ही जो उसने टोकन अमाउंट जो उसके पास डिपॉजिट करवाया है बिल्डर के पास वो उसको वापस नहीं मिलेगा। मीन्स कि ही हैज़ टू फॉरगो हिज टोकन अमाउंट अगर यदि वो हाउस को परचेज नहीं करता है तो। सो इस कंडीशन के ऊपर मिस्टर ए जो है वो बिल्डर को 1 लाख रुपीज एज ए टोकन अमाउंट दे देते हैं और एक हाउस को जो है वो बुक कर लेते हैं। तो अब इससे हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। देर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड द बिल्डर। कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसके कारण से है कि परचेज ऑफ हाउस, कि हाउस परचेजिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर ए के और बिल्डर के बीच में। तो यहाँ पर जो हाउस कहलाएगा वो एक अंडरलाइंग एसेट कहलाएगा, यानी कि सारी की सारी टर्म्स हम जो है ऑप्शन में यूज करते हैं तो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हाउस जो होगा वो उस ऑप्शन के अंदर अंडरलाइंग एसेट कहलाएगा। इसके बाद जो 2 ईयर का टाइम जो एक बिल्डर ने मिस्टर ए को दिया है हाउस कंप्लीशन के लिए, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरेशन डेट होगी। मीन्स कि 2 ईयर के बाद वो जो है हाउस का पोजीशन मिस्टर ए को दे देगा। इसके अलावा जो हाउस की कॉस्ट जो है वो 50 लाख रुपी है, वो इस कंडीशन में स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस कहलाएगी। कि मीन्स कि आफ्टर 2 ईयर मिस्टर ए बिल्डर को 50 लाख रुपी दे देगा और वो उससे उस हाउस को वो परचेज कर लेगा। नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन में हम देखते हैं, जो टोकन अमाउंट और जो बुकिंग अमाउंट ए ने उस हाउस को बुक करने के लिए बिल्डर को दी है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। इस टोकन अमाउंट को या बुकिंग अमाउंट को जो मिस्टर ए ने बिल्डर को दी है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। तो ये सारे के सारे टर्म्स हम ऑप्शन में डिस्कस करते हैं। हाउस इज अंडरलाइंग एसेट, जो 2 ईयर का टाइम है दैट इज एक्सपायरेशन डेट, जो कॉस्ट ऑफ हाउस है दिस इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस और द एक्सरसाइज प्राइस, और जो टोकन और जो बुकिंग अमाउंट है 1 लाख रुपीज ये कहलाती है ऑप्शन का प्रीमियम। अब आफ्टर 2 ईयर क्या होता है कि अगर यदि मिस्टर ए फर्स्ट ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, उनको लगता है कि आफ्टर 2 ईयर जो हाउस है वो बाइंग करना उनके लिए फायदे में है, तो वो उस हाउस को बाइंग कर लेंगे। मिस्टर बिल्डर को वो 50 लाख रुपीज की पेमेंट कर देंगे उस और उस हाउस को वो परचेज कर लेंगे। लेकिन अगर यदि लगता है कि ये जो हाउस का परचेजिंग का ऑप्शन है ये उनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो उस हाउस को डिनाई कर देंगे परचेज करने के लिए। लेकिन इस कंडीशन में जो उन्होंने प्रीमियम के अमाउंट 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करवाई थी बिल्डर के पास, वो उनको वापस नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि मिस्टर ए जो है इस कंडीशन में मिस्टर ए क्या कहलाएंगे, ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर कहलाएंगे। ऑप्शन बायर करने के साथ क्या है कि उनको राइट मिलता है उस एसेट को परचेज करने का, लेकिन वो इसमें इसको ऑब्लिगेशन नहीं होता, क्योंकि बिल्डर ने उसको एडवांस में ही बोल दिया कि आपकी चॉइस है कि आफ्टर 2 ईयर अगर यदि आप हाउस परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर यदि आप नहीं परचेज करना चाहते तो आप इसको फॉरगिव कर सकते हो। लेकिन मिस्टर बी एज ए ऑप्शन राइटर हम इसको बोलेंगे और सेलर हम इसको बोलेंगे, तो सेलर होने के कारण
ही हैज़ द ऑब्लिगेशन टू कम्प्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर बी को उस कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीट करना ही करना पड़ेगा, चाहे उसको उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहिए कि ऑप्शन बायर जो होता है उसका राइट होता है ऑप्शन में, और जो ऑप्शन सेलर जो होता है या राइटर जो होता है उसका ऑब्लिगेशन होता है। तो आइए हम इसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि अगर यदि ऑप्शन क्या चीज होती है कि बाय गिविंग ए स्मॉल या टोकन अमाउंट यू रजिस्टर फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस टू बी डिलीवर्ड ऑन फ्यूचर डेट ऑन एन एग्रीड प्राइस। क्लियर मीन्स कि एक छोटी अमाउंट के साथ आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस को रजिस्टर करते हो परचेज करने के लिए किसी भी फ्यूचर डेट के ऊपर और किसी भी एग्रीड प्राइस के ऊपर, मीन्स कि स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस हम इसको बोल सकते हैं, किसी भी स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर फ्यूचर डेट के ऊपर आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट मीन्स की प्रीमियम देते हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। व्हेन डेट अराइव्स मीन्स कि जब भी आपके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने की डेट आती है उस टाइम अगर यदि आपके लिए फेवरेबल है तो यू बाय दैट अंडरलाइंग एसेट, अगर अनफेवर में है तो आप उस एसेट को बाइंग नहीं करेंगे लेकिन आपको अपने टोकन अमाउंट या जो मनी है वो वापस नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से जो होती है वो ऑप्शन वर्क करती है। तो अगर यदि हम ऑप्शन की डेफिनेशन देखते हैं डेरिवेटिव्स में, तो ऑप्शन आर द टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, यानी कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट का एक टाइप होती है। एन ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट कैन बी बॉट और सोल्ड। ऑप्शन एक सिक्योरिटी का टाइप होती है। अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव देखते हैं तो आप उसको बाइंग भी कर सकते हो और आप सेलिंग भी कर सकते हो एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, विद ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, इन एक्सचेंज ऑफ नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट, मींस कि जो नॉन रिफंडेबल जो पैसा है जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो टोकन अमाउंट है दैट इज प्रीमियम, आप उस प्रीमियम को देकर किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कोई सिक्योरिटी को परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर बायर द राइट टू बाई, कोई भी आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसमें जो बायर है उसको वो राइट प्रोवाइड करवाती है, नॉट ऑब्लिगेशन टू बाई, लेकिन वो इसमें ऑब्लिगेशन नहीं होता बाइंग करने के लिए, एट अ स्पेसिफिक प्राइस और द डेट, मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस और डेट के ऊपर उसका राइट होता है बाइंग करने के लिए उस एसेट का, लेकिन उसका ऑब्लिगेशन नहीं होता। इसके बाद जो आपकी ऑप्शंस होती हैं हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो होती है इसमें कॉल ऑप्शन और एक होती है आपकी पुट ऑप्शन। द राइट टू बाई एन अंडरलाइंग एसेट, कोई भी अंडरलाइंग एसेट है अगर उसको आप बाइंग करने का राइट परचेज करते हैं तो वो आपकी कहलाती है कॉल ऑप्शन। इसके रिवर्स में अगर यदि हम देखते हैं कि राइट टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट, किसी भी अंडरलाइंग एसेट को सेल करने का अगर यदि आप राइट परचेज करते हैं तो वो कहलाती है आपकी पुट ऑप्शन। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करती है। आगे हम इसकी नई नई जो भी टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ऑप्शन को क्यों ट्रेड करते हैं, क्यों हम परचेज करते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो सब फर्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें, लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि आप छोटी सी अमाउंट के अंदर आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हो। अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा कि आपने 50 लाख रुपीस का हाउस बुक किया है तो उसके लिए आपने एक स्मॉल अमाउंट जो है 1 लाख रुपीस सिर्फ एक टोकन अमाउंट दी है, तो 1 लाख रुपए में आपने 50 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कर ली, तो इसलिए ऑप्शन में आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो कम होती है। सेकेंड जो पॉइंट आता है, लिमिटेड रिस्क टू बायर, जो बायर है ऑप्शन में उसका लिमिटेड रिस्क होता है, मीन्स कि कल को उस हाउस की प्राइजेज अगर यदि 50 लाख से कम होकर मान लीजिए आफ्टर 2 ईयर 40 लाख आ जाता है तो वो डिनाई कर देगा, उस हाउस को परचेज नहीं करेगा, लेकिन अगर यदि वो एक्चुअल में उस हाउस को परचेज करता तो उसको 10 लाख रुपए का लॉस होता। मीन्स कि अगर यदि मान लीजिए 50 लाख में परचेज करता और उसकी प्राइजेज 40 लाख रुपए रह जाती तो यहाँ पर जो लॉस होता उस पर्सन को 10 लाख रुपए का होता, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है, ओनली 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया है, तो अगर यदि वो हाउस को परचेज नहीं करता है तो उसका 1 लाख रुपए का ही नुकसान होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो बायर है उसका रिस्क जो है लिमिटेड है, मीन्स कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा उसको रिस्क नहीं हो सकता ऐसी कंडीशन में। एडवांस कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, तो इसी तरीके से उसको पहले ही एडवांस में पता होता है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर यदि ऑप्शन परचेज कर रहा है तो जितना पैसा वो डिपॉजिट करवा रहा है ऑप्शन बाइंग करने के लिए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका उतना रिस्क हो सकता है, उससे ज़्यादा उसका रिस्क नहीं हो सकता। तो एडवांस में वो कैलकुलेट कर सकता है कि उसका कितना रिस्क है।
इसके बाद ह्यूज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है एक स्मॉल अमाउंट के साथ काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। मान लीजिए इसी कॉन्ट्रैक्ट में लगाते हैं, उस 50 लाख रुपीज़ से उसकी वैल्यू बढ़ के अगर यदि मान लीजिए 80 लाख रुपी हो जाती है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई टू ईयर के बाद हम देखेंगे, तो 1 लाख रुपये ही उसने डाले हैं और 50 लाख से इंक्रीज होकर 80 लाख रुपये वैल्यू आ जाती है, तो 1 लाख रुपये के डिपॉजिट के साथ उसको प्रॉफिट जो रहता है वो 30 लाख रुपये का रहता है। तो इसलिए एक स्मॉल अमाउंट के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो ऑप्शन इसलिए भी मतलब ट्रेड की जाती हैं। हाई लिवरेज का मतलब ये होता है कि आपको एक कम अमाउंट में ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 लाख रुपये उसने इन्वेस्ट किया है, उसका जो एक्सपोजर रहा है 50 लाख रुपये का रहा है। अगर यदि वो एक्चुअल में अगर हाउस बाइंग करता है तो उसको जो है वो 50 लाख रुपये का मिलता है, लेकिन वो 1 लाख रुपये ही देकर 50 लाख रुपीज़ का हाउस परचेज कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें लिवरेज की फैसिलिटीज जो है वो ज़्यादा मिल जाती है। अब इसके बाद ये वाली चीज़ें जो है ये आपकी फाइनेंशियल ऑप्शन से रिलेटेड होती हैं, जैसे लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट मीन्स कि कैश में और फ्यूचर में जो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है, तो जो ऑप्शन में जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है कंपेयर टू कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट से वो कम होती है। शॉर्ट सेलिंग इज पॉसिबल मीन्स कि आप बाइंग के साथ साथ आप इसमें सेल भी कर सकते हो, ये ऑप्शन में ये वाली फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है। वेरियस स्ट्रेटजीज़, ये सारी के सारी स्ट्रेटजीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस में काफ़ी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये हम सारी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। इसके बाद इनकम ओन और स्टॉक ओन्ड बाय द इन्वेस्टर मीन्स कि अगर यदि किसी इन्वेस्टर के पास कोई स्टॉक है तो वो ऑप्शन का यूज़ करके उसका फ़ायदा उठा सकता है। मीन्स कि अगर यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई शेयर है और वो उनको सेल नहीं करना चाहता, तो वो उसकी ऑप्शन को सेल करके वो ये ऐसा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकता है। ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, हम यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम टर्म्स देखते हैं ऑप्शंस की, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं। वैसे आपने अगर एग्जांपल क्लियरली देखा है तो उसमें सारी टर्म मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार ही हम लोग देख लेते हैं फिर भी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन होल्डर और द बायर। ऑप्शन बायर इज द पर्सन हु बाय द ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन राइटर मीन्स कि जो व्यक्ति ऑप्शन बाइंग करता है ऑप्शन राइटर से, हम उसको ऑप्शन बायर बोलते हैं। ऑप्शन राइटर द पर्सन हु राइट्स मीन्स कि जो ऑप्शन को राइट करता है या सेल करता है, तो ही कॉल्ड द ऑप्शन राइटर। ही गिव राइट टू बाय द अदर पार्टी मीन्स कि वो दूसरी पार्टी को बाइंग का राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता दूसरी पार्टी के ऊपर, सिर्फ वो उसको राइट देता है ऑप्शन बाइंग करने के लिए। इसके बाद एक्सपायरेशन डेट हमने डिस्कस किया था, उस एग्जाम्पल में तो हमने 2 ईयर डिस्कस किया था, लेकिन अगर यदि हम फाइनेंशियल ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास 3 महीने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जो फर्स्ट मंथ होता है उसको हम नियर मंथ बोलते हैं, जैसे हम अप्रैल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर आज, तो अप्रैल आपका नियर मंथ कहलाएगा। इसके बाद मिडिल मंथ कहलाएगा इसमें मई, एंड जो फार मंथ कहलाएगा इसमें जून कहलाएगा। एक नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं आपको एक चीज़ डिस्कस कर देता हूँ, जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं इंडेक्स ऑप्शन में जो एक्सपायरी होती है वो वीकली एक्सपायरी होती है, मतलब वीकेंड्स में हर वीक थर्सडे को जो है वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है, अगर थर्सडे को हॉलीडे है तो वेंसडे को। लेकिन अगर यदि आप स्टॉक ऑप्शंस में अगर यदि आप ट्रेड करते हैं तो मंथ के लास्ट थर्सडे को जो है वो ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। लॉट साइज, ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं तो एक फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स में आप ट्रेड करते हैं, मीन्स कि एक लॉट साइज के अंदर आप ट्रेड करते हैं। उसके मल्टीपल में आप ट्रेड कर सकते हैं लेकिन आप उसको फ्रैक्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर यदि मैंने एक एग्जांपल ले रखा है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का, अगर यदि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में ट्रेड करते हैं तो आपको 1 टाइम में 500 शेयर्स आपको बाइंग करने पड़ेंगे या उसको सेल करना पड़ेगा अगर यदि आप लॉट साइज में ट्रेड करते हैं तो। इसके बाद ऑप्शन प्रीमियम, ये आपको हम क्लियरली बता चुके हैं कि जो भी आप अप फ्रंट पेमेंट मीन्स कि आप टोकन अमाउंट हम इसको बोल सकते हैं, कोई भी आप अंडरलाइंग एसेट का अगर राइट परचेज करते हैं तो यू हैव टू गिव समथिंग टू द सेलर। आप अगर यदि राइट परचेज कर रहे हैं तो आपको सेलर को कुछ ना कुछ पेमेंट देनी ही पड़ेगी, तभी तो वो आपको राइट देगा परचेज करने के लिए। तो वो जो राइट आप उससे परचेज कर रहे हैं उस राइट को परचेज करने के लिए जो आप उसको अमाउंट देते हैं, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड द प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम कहलाती है। और जो ऑप्शन प्रीमियम होती है उसके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो एक्सपायरेशन और द मैच्योरिटी डेट। जितना उसका लॉन्गर पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन होगा, जितनी लॉन्गर मैच्योरिटी डेट होगी, ऑप्शन प्रीमियम उतना ही ज़्यादा होगा।
इसके बाद एक्सरसाइज प्राइस आती है। एक्सरसाइज प्राइस होती है जिस रेट के ऊपर आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करवाना चाह रहे हैं। जैसे हमने उसमें 50 लाख रुपए डिसाइड किया था, तो 50 लाख रुपीस आपका एक्सरसाइज प्राइस कहलाएगा। तो इसमें हम सिर्फ यहाँ पर इतना ही समझते हैं कि एक्सरसाइज प्राइस जितना कम होगा उतना ऑप्शन का रेट ज़्यादा मिलेगा, कॉल ऑप्शन का रेट जो है वो आपका ज़्यादा मिलेगा, और एक्सरसाइज प्राइस जितना ज़्यादा होगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस जो है वो उतना कम होगा। इसके बाद वोल्टिलिटी आ जाती है। वोल्टिलिटी जो अंडरलाइंग एसेट के अंदर जो प्राइस में अप एंड डाउन होता है उसको हम वोल्टिलिटी बोलेंगे। अगर यदि किसी पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट में जो वोलेटिलिटी है वो ज़्यादा होगी, मीन्स की चांसेज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ज़्यादा हो गए, तो ऑप्शन की वैल्यू उसी तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो किसी स्टॉक में वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो उसके ऑप्शन प्राइजेज जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, अगर यदि वोलेटिलिटी कम है तो ऑप्शन के प्राइजेज आपको कम मिलेंगे। नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑप्शन के प्रीमियम को डिसाइड करता है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो ऑप्शन का प्राइस जो है वो ज़्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट रेट अगर यदि कम है तो ऑप्शन के प्राइस जो है वो कम मिलेंगे। इसके बाद स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस इज डिफाइंड एज अ प्राइस एट विच द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कैन बाय और सेल अंडरलाइंग सिक्योरिटी व्हेन द ऑप्शन इज एक्सरसाइज। मीन्स कि हमने उसमें एग्जाम्पल में 50 लाख रुपये लिया था ना, 2 ईयर्स के बाद जो 50 लाख रुपीज में है वो हाउस उसने परचेज करना है, तो जो बायर है उसके लिए भी जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपये रहेगी, और जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए भी वैल्यू जो है 50 लाख रुपये रहेगी, चाहे उसमें मार्केट प्राइस कुछ भी हो। तो मतलब मार्केट प्राइस और जो एक्सरसाइज प्राइस होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं, सेम भी हो सकते हैं लेकिन वैसे वेरिएट मिलेगा इनमें। मार्केट प्राइस तो वो होगा जो उस करंट टाइम में उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस होता है उसको हम मार्केट प्राइस बोलेंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज प्राइस या जो स्ट्राइक प्राइस वो होगा जिस रेट के ऊपर वो आपने उस पर्टिकुलर एसेट को परचेज किया है। स्ट्राइक प्राइस इंटरवल आ जाता है। तो स्ट्राइक प्राइस इंटरवल क्या आएगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड होते हैं। अगर यदि आप फाइनेंशियल ऑप्शंस को आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस के ऊपर आपके जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इसमें ट्रेड होते हैं, जो कि एक्सचेंज के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। नॉर्मली 11 स्ट्राइक प्राइजेस में ट्रेड होता है। 11 स्ट्राइक प्राइजेस में जो आपका करंट में जो स्पॉट प्राइस होता है, 5 तो उससे पहले के होते हैं और 5 उसके बाद के होते हैं। अभी इनमें प्राइस जो है वो वेरिएट मिलेगा आपको। एक बारी मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। सपोज कीजिए हम वही वाला एग्जांपल लेते हैं, एसेट वाला, हाउस वाला। 50 लाख रुपी में बिल्डर ने, मिस्टर ए को ये डिसाइड किया था कि भाई ये वाला मैं आपको 2 ईयर के बाद ये हाउस जो है वो दे दूंगा। अब सपोज कीजिए कि भाई उसका कंस्ट्रक्शन चालू होता है हाउस का, अब 1 ईयर के बाद आपको पता है कि जो प्राइजेस हैं वो डे टू डे आपके फ्लक्चुएट करते रहते हैं, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है चाहे वो आपका कंप्लीटेड हाउस है। मान लीजिए हाउस का कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, हाफ जो है वो पोर्शन कंप्लीट हो गया, 1 साल के बाद मान लीजिए रियल एस्टेट में अगर आपका राइज अप होता है, उस हाउस का वैल्यू जो है मार्केट में 60 लाख रुपये हो जाती है। तो अभी तो हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन 1 साल के बाद उसकी हाउस की वैल्यू जो है 60 लाख रुपये आ जाती है। एक प्रैक्टिकल सी चीज़ें हैं, एक टाइम के बाद जो है वो पर्टिकुलर एसेट चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, तो 60 लाख रुपये आ जाती है। अब मिस्टर ए ने जो ऑप्शन जो बाइंग की थी 50 लाख रुपीज़ की, मिस्टर ए ने जो 50 लाख रुपये में जो हाउस बाइंग करने के लिए एक ऑप्शन ली थी, तो आज वो ऑप्शन वही थोड़ी रहेगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एक्सरसाइज प्राइस था 50 लाख रुपए का जो एक्सरसाइज प्राइस था, लेकिन अब जो मार्केट प्राइस है उस एसेट की वो 60 लाख रुपए हो जाती है। तो 10 लाख रुपए का राइज अप हो गया ना, तो उस ऑप्शन के प्राइजेस अपने आप ही इंक्रीज हो जाएंगे। मींस कि 1 लाख रुपए वाली जो ऑप्शन है वो अपने आप, जो अगर यदि मान लो एक किसी व्यक्ति को सेल करता है उस ऑप्शन को, तो वो अगर यदि परचेज करेगा तो 50 प्लस 60 का जो डिफरेंस आएगा 10 लाख रुपीस, तो उस 1 लाख रुपी वाली ऑप्शन को वो 10 लाख रुपी में सेल करेगा। तो जिस बंदे ने उस ऑप्शन को परचेज किया है वो 50 लाख रुपी वाली ऑप्शन के प्राइजेज जो हैं वो अपने आप इंक्रीज होकर 10 लाख रुपी इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि बिल्डर के पास अभी भी वो इन्वेंट्री है, अभी भी बिल्डर के पास वो चीज़ें हैं, वो हाउस है, और अब वो 1 साल के बाद उन हाउस में से कुछ हाउस सेल करना चाहते हैं,
तो अगर यदि वो 50 लाख रुपए में उस हाउस को बेचेगा, 50 लाख रुपए ही अगर यदि मान लो वो एक्सरसाइज प्राइस रखता है, तो वो उसको 1 लाख रुपए में नहीं देगा, वो उसको 10 लाख रुपीज, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो अब 60 लाख है, 10 लाख रुपए में देगा, प्लस एक साल का जो प्रीमियम होगा, एक साल का कुछ जो डिफरेंस होगा उसमें देगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए वो 50 लाख रुपए में अगर यदि मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस पर अगर यदि वो उसको ऑप्शन को बुक करता है तो वो 5 लाख रुपए रखेगा। तो अगर यदि वो 60 लाख रुपए में अगर यदि उसको बुकिंग करता है स्ट्राइक प्राइस पर, तो वो हो सकता है 1 लाख रुपए या 50,000 रुपीज में ही बुक कर ले। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज हैं, ये कहलाते हैं आपके स्ट्राइक प्राइस इंटरवल। और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस के ऊपर जो ऑप्शंस होते हैं उनके रेट अलग अलग होते हैं। तो 50 लाख रुपए वाले के ऊपर 10 लाख रुपीज, 55 लाख रुपए अगर स्ट्राइक प्राइस है तो 5 लाख रुपीज, और 60 लाख है तो 1 लाख रुपीज। तो इस तरीके से ऑप्शन के जो स्ट्राइक प्राइस है उसके इंटरवल के साथ जो ऑप्शन के प्राइजेस होते हैं वो भी वेरिएट। आई थिंक क्लियर हो गया आपको, हो गया होगा आपको एग्जाम्पल। इसके बाद ऑप्शन में एक ये टर्म काफी यूज होती है, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। अगर यदि हम कॉल ऑप्शन लेते हैं, अगर यदि हम कॉल ऑप्शन लेते हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए कि जहां पर आपका एक्सरसाइज प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है, तो दैट इज कॉल्ड इन द मनी कॉल ऑप्शन। उसमें अगर यदि हम देखते हैं कि 50 लाख रुपीज था और मार्केट प्राइस 60 लाख था, तो वहां पर जो 10 लाख रुपीज का जो बेनिफिट हुआ, तो इसका मतलब ये कहलाएगा इन द मनी। अगर यदि जहां पर एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों बराबर है, तो वो कहलाएगा एट द मनी कॉल ऑप्शन, और जहां पर एक्सरसाइज प्राइस मार्केट प्राइस से कम है, तो वो कहलाता है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। अब जो पुट ऑप्शंस होती हैं, इसमें ये रिवर्स होता है। पुट ऑप्शन में क्या होगा कि जब आपका स्ट्राइक प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से कम होगा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो सॉरी मार्केट प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस से कम होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो पुट ऑप्शन है वो इन द मनी कहलाएगी, जब दोनों बराबर हो गए एट द मनी कहलाएगी, और जहां पर एक्सरसाइज प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो पुट ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी कहलाएगी। अब ऑप्शन जो होती है, नॉर्मली दो टाइप की ऑप्शंस होती हैं, एक तो अमेरिकन ऑप्शन होती है, एक यूरोपियन ऑप्शन होती है। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर यदि हम अमेरिकन ऑप्शन में लेते हैं, तो अमेरिकन ऑप्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी टाइम ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरेशन डेट। अब इसमें क्या होता है, देखो एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर यदि हम वही कंस्ट्रक्शन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें बिल्डर ने जो मिस्टर ए है उनको 2 ईयर का टाइम दिया था कि भाई 2 ईयर में मैं आपको हाउस जो है वो कंप्लीट करके दे दूंगा। अगर यदि वो अमेरिकन ऑप्शन होती, तो इसमें क्या होता कि 2 साल से पहले कभी भी ए के पास 50 लाख रुपए लेकर मिस्टर बिल्डर के पास चले जाते और वो उसको बोल सकते थे कि भी मेरे को ये जो हाउस है ये परचेज करना है, आप इस हाउस को मेरे को दो। तो इस स्टाइल का जो ऑप्शन होता है वो आपका अमेरिकन ऑप्शन कहलाएगा। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन में क्या है कि जब आपका एक्सपायरेशन डेट होगा तभी वो ऑप्शन जो वो एग्जीक्यूट होगा। मीन्स कि अगर यदि इसी एग्जांपल में अगर यदि हम लेते हैं, तो 2 ईयर से पहले जो है मिस्टर ए बिल्डर को फोर्स नहीं कर सकता कि भी आप मेरे को पोजीशन दो हाउस का, तो वो आफ्टर 2 ईयर ही उसको पोजीशन मिलेगा। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन ऑप्शन एंड द यूरोपियन ऑप्शन, कि यहाँ पर आपको एक्सपायरेशन डेट से पहले भी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो आप अपनी ऑप्शन को, लेकिन यूरोपियन ऑप्शन में जो टाइम होगा उसी के ऊपर आपकी ऑप्शन एग्जीक्यूट होगी। अब अगर यदि हम इंडियन मार्केट में लेते हैं, तो इंडियन मार्केट में जो ऑप्शंस है वो यूरोपियन टाइप ऑफ ऑप्शन जो है वो ट्रेड करती हैं। मीन्स कि जब आपका एक्सपायरेशन डेट आती है उसी टाइम में आप यूरोपियन ऑप्शन में आप उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने राइट को। इसके बाद एक एग्जांपल और इसमें हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या चीज़ होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके फ्यूचर डेरिवेटिव्स में यूज होती है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर ऑप्शन अक्रॉस द पार्टिसिपेंट इन द मार्केट एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पार्टिसिपेंट के बिटवीन कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, हम उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। अब सपोज कीजिए कि इसी में ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। ए और बी हैं, ए और जो बिल्डर थे उनके बीच में एक ट्रांजेक्शन होती है, तो दिस इज कॉल्ड वन ओपन इंटरेस्ट। अब मान लीजिए ए ने अपना राइट किसी दूसरे बंदे सी को भेज दिया, तो ये ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एक ही रहेगा। लेकिन ए के अलावा
अगर मान लीजिए बी ने अगर दी सी को बेचा है इस तरह का कोई रेट, ए को तो बेचे रखा है, अगर बी को बेचा है तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये बढ़कर 2 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, इफ ए बाई 100 निफ्टी ऑप्शन टू बी, बोथ ट्रेडेड ए एंड बी आर एंटरिंग इन द मार्केट फर्स्ट टाइम, तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो 100 फ्यूचर रहेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए ए ने अगर दी सी को सेल कर दिया, तो ये इसमें जो चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक की पोजीशन रिड्यूस होती है और दूसरे की पोजीशन इंक्रीज होती है, तो ओपन इंटरेस्ट आपका एज इट इज रहेगा। लेकिन मिस्टर ए ने एक अनदर ट्रेडर है डी, डी के साथ अगर ट्रेड कर लिया, तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है 100 ही कॉन्ट्रैक्ट का किया, तो 100 से बढ़कर ये 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होता है। तो जब भी आपका नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो ओपन इंटरेस्ट 0 से स्टार्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन के टाइम वो जो है कॉन्ट्रैक्ट आपके सारे क्लियर हो जाते हैं। टाइप ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन जो है दो पार्ट्स में कैटेगराइज होती है, एक तो आपकी कॉल ऑप्शन आती है, एक आपकी पुट ऑप्शन आती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉल ऑप्शन क्या होती है। कॉल ऑप्शन आर दोज कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव बायर राइट, जो बायर है राइट को राइट देती है। नोट द ऑब्लिगेशन, दोनों में ही बायर को राइट होता है इसमें ऑप्शंस में, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट को बाइंग करने का राइट उसको अवेलेबल करवाती है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, कोई भी अंडरलाइंग एसेट है, अगर यदि आप कॉल ऑप्शन परचेज करते हैं तो आप उस अंडरलाइंग एसेट को बाइंग करने का राइट परचेज करते हैं। कोई भी इसमें कोई भी इंडेक्स हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, कोई भी आपकी अंडरलाइंग एसेट हो सकती है, तो उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट को आप बाइंग करने का राइट अगर परचेज कर रहे हैं, मीन्स कि यू आर बाइंग कॉल ऑप्शन। दोनों ही आप कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं और बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यदि आप बायर हैं तो यू हैव द राइट, अगर यदि आप सेलर हैं तो आपके पास ऑब्लिगेशन होता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें। जो पुट ऑप्शन होती है इसकी जस्ट एडवर्स में होती है, रिवर्स होएगा इसका। तो पुट ऑप्शन में क्या है कि आप राइट तो परचेज कर रहे हैं लेकिन बाइंग का नहीं, किसी भी अंडरलाइंग एसेट को सेल करने का राइट परचेज कर रहे हैं। तो पुट ऑप्शन में क्या होगा कि अगर यदि किसी पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ पुट जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है ना। कि अगर यदि एसेट आपने अपने जो है एसेट को सेल करने का राइट परचेज किया है, क्लियर कर लीजिए, आपने एसेट को सेल करने का राइट परचेज किया है, अगर यदि किसी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी तभी जो है वैल्यू ऑफ पुट इंक्रीज होगी। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अंडरलाइंग एसेट एंड द पुट, और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन अंडरलाइंग एसेट एंड द कॉल। अगर यदि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कॉल की वैल्यू इंक्रीज होती है, और अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो कॉल की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन पुट में ये इनवर्स रिलेशनशिप है। अब लास्ट में हम ये देखते हैं कि कॉल और जो सॉरी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें ऑब्लिगेशंस। तो जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो दोनों का ऑब्लिगेशंस होता है, बोथ बायर एंड द सेलर, ठीक है ना। फ्यूचर में दोनों को अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना होता है क्योंकि उनके बीच में क्लियरिंग हाउस है, जो बायर है और सेलर है। क्लियरिंग हाउस ऑप्शन में भी होता है लेकिन इसमें जो है दोनों का ऑब्लिगेशन है। अगर यदि बायर है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट सेल करना पड़ेगा, सेलर है तो बाय करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ सेलर जो है उसका ऑब्लिगेशन होता है। रिस्क क्या होता है इसमें दोनों में, अब देखिए कि फ्यूचर में जो है अनलिमिटेड रिस्क होता है दोनों के लिए। अगर यदि प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो सेलर को नुकसान होगा, बायर को फायदा होगा, रिवर्स में, तो दोनों का अनलिमिटेड रिस्क होता है, कितना भी प्राइजेस हो सकता है। लेकिन जो ऑप्शन है उसमें अनलिमिटेड रिस्क टू सेलर, सेलर जो है उसको अनलिमिटेड रिस्क होता है, लेकिन बायर को पहले ही पता होता है जितना उसने ऑप्शन प्रीमियम दे रखा है उससे ज़्यादा उसका रिस्क नहीं हो सकता। प्रॉफिट पोटेंशियल, जिस तरीके से रिस्क है या लॉस है वो इसमें मैक्सिमम होता है, तो इसमें भी जो प्रॉफिट है वो बायर को या सेलर को किसी को भी अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में अनलिमिटेड प्रॉफिट टू बायर, बायर का ऑप्शन में कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो सेलर है उसको सिर्फ एक लिमिटेड प्रॉफिट होता है, जितना उसको प्रीमियम मिलता है उससे ज़्यादा उसको अमाउंट नहीं मिल सकती, लेकिन बायर को इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। अब मार्जिन मनी की बात आती है, जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं दोनों पार्टी चाहे वो बायर है या सेलर है उन दोनों को जो है वो मार्जिन डिपॉजिट करवाना पड़ता है। लेकिन ऑप्शन के कंडीशन में क्या होता है कि जो सेलर है क्योंकि उसका रिस्क अनलिमिटेड होता है तो इसलिए सेलर को मार्जिन डिपॉजिट करवाना पड़ता है, लेकिन जो बायर है वो सिर्फ इसमें प्रीमियम की पेमेंट करता है, उसको कोई मार्जिन की डिपॉजिट नहीं करवाना पड़ता। प्रीमियम आता है इसमें, अब तो फ्यूचर के अंदर कोई प्रीमियम नहीं मिलता, ना तो बायर को और ना ही सेलर को,
लेकिन जो ऑप्शंस होती हैं उसमें जो बायर है उसको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है सेलर को। मैच्योरिटी जो होती है इसमें लॉन्गर पीरियड जो है वो मैच्योरिटी हो सकती है फ्यूचर के अंदर। नॉर्मली फ्यूचर में जो ट्रेड है लॉन्गर टाइम के लिए किया जाता है, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं उसमें शॉर्टर पीरियड मैच्योरिटी होती है। मीन्स कि अगर यदि हम जैसे निफ्टी के अंदर, अगर यदि मैंने बताया था बैंक निफ्टी में तो 1 वीक का होता है, या फिर एक छोटे टाइम के लिए भी हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। प्रॉफिट रियलाइजेशन कैसे होता है इसमें, एम टू एम बेसिस के ऊपर, ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं हम। जो भी आपका फ्यूचर्स होता है मार्जिन टू मार्केट या मार्क टू मार्केट जो है डेली बेसिस के ऊपर आपका प्रॉफिट लॉस जो है आपके अकाउंट में एडजस्ट होता रहता है। लेकिन जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट रियलाइजेशन कब होता है, जब आप अपोजिट पोजीशन लेते हैं। मीन्स कि अगर यदि आप सेलर हैं तो आप बाइंग कर लेते हैं, अगर आप बायर हैं तो आपने सेल कर दिया, तो आपको ये प्रॉफिट होता है। तो ये जो टोटल हमने कंप्लीट किया है ये सारा का सारा फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।